सुबह से आप देख रहे हैं किसानों का धरना है, वो चल रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं और पंडाल है वो खचाखच भरा हुआ है। लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार से हमारी बात चल रही है, लेकिन अभी जनता मोदी क्या है, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बात सरकार से चल रही थी, यहाँ पर अधिकारी उनसे चल रही थी, कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहे थे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत में क्या है, किसान रात भर यहीं रुकेंगे या फिर धरना खत्म होगा आज। उनसे बातचीत करने की कोशिश हम करते हैं कि क्या मामला पूरा क्या है, कि किसान पूरी रात भर यहीं रुकने वाले हैं या फिर अभी किसानों का धरना खत्म हो जाएगा। सुनील जी, यहाँ किसान नेता कॉमरेड सुनील पुनिया हमारे साथ हैं। सुनील जी, अभी आपने जनता को संबोधित कर दिया, कहा कि रात भर हमें यही रुकना है जब तक मांगे नहीं माने जाएंगे, क्या अंदर से जो अधिकारी उनसे बातचीत हुई उन्होंने क्या कहा है? वो ये बात कह रहे हैं कि जो स्टेट को जो फैसला करना है उसकी हम मीटिंग करवाएंगे। हमने तो यही कहा है कि आप 2 बजे तक का टाइम दिया था, फिर 5 बजे तक का टाइम दिया, आप कह रहे हैं कि हम जल्दी करवाएंगे, तो सुबह तक का इनको टाइम दिया है, सुबह तक ये फैसला करवा लेते हैं, रात रात में नहीं करवाते हैं तो फिर सुबह हम फैसला कर देंगे। हजारों की संख्या में बहुत लंबी चौड़ी भीड़ है, पंडाल है यहाँ से 500 मीटर आगे तक फैला हुआ है, सभी किसान रात को यहीं रुकने वाले क्या? हाँ, यहीं रुकेगा किसान, यहीं खाएगा और सुबह यहीं लेट नहीं मानी जाती है, तो अगला कदम आपका क्या होगा? सुबह यहाँ किसान जंग लड़ेगा, किस तरीके से लड़ेगा वो सुबह तय करेंगे। आपने ये भी कहा है कि कल अगर किसान की बात नहीं मानी जाती है तो किसान रेल में जाएगा, कलेक्टर में घुसेगा, सड़क पे आएगा, तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, और किसान की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी, मंच से संबोधन होता, इसका क्या कहना समझते? इसका मतलब ये है कि राज समझ गया, नहीं तो कूट कूट की मनावांगा, यही है मोटा मोटी। किसान बार बार की लड़ाई लड़ेगा, बार बार कसामनी किस कमे उनका सगा किया गड़बड़ राज ना है, तो अपन करोप कटिंग की रिपोर्ट नहीं ना है, अपन यह बात बताई क्या तरीकों नहीं कलेम दिए तू बोल भी इन्ना करा जो आप 58 घंटा तक का जाम के बाद में पा रिपोर्ट दी और उस पर अपन ध्यान पड़े हो कर रुपया को आप लोग सिटी लाइट का नाम पर राज किया। वह तो लोग लड़िया, वह लोग उस टाइम पर कमा, उसके बाद में जब थोड़ी पकड़ी गई पूरा चूरू जिला का मैं यहाँ बात फैली के तो 750 करोड़ रुपया पड़ा, उसमें 250 करोड़ रुपया दे गई, 500 करोड़ रुपया में सैटेलाइट का नाम पर रहा गया। यह 500 करोड़ की लड़ाई है, उन किसानों की लड़ाई है जिनको कलेम बेची गलती के कारण बनी आयो, उन किसानों की लड़ाई है जिन किसानों को बीमा कंपनी आड़ा बिना कोई कारण का उनकी पॉलिसी रिजेक्ट करती, उन किसानों की यह लड़ाई है। और मैं तो नहीं हो भरोसा देऊं कि यह लड़ाई आप जीती दवांगा, रात रात को टाइम मेरे को सुबह कोरा मचा देगा, अपनी जवान है आप पीछे को नहीं हटा, रात रात को टाइम में मैं वापिस हूँ, सुबह चाहे कलेक्टर हो चाहे कोई हो चाहे मैं हो, अगर कोई भी तनियाब आज के बिना फैसले के सुबह तक ये फैसलों करके नहीं देवे कट मान जाओ कि मानियो ना, मैं दरसा को साथी दरसा के से पीछे ना हटियो, मैं तो मेरा फल्ला हो गया पैदल चलता चलता, मैं 58 दिन की पैदल यात्रा करी उस टाइम पर करी जब लोग कुलराम सुतिया या नेता जो आज बढ़िया बैठे है मैं उड़े उठला के मैं रुक गया, मारला तो नेता है अभी मेरे ऊपर ही जो बोल रहा मैं विधायक है गिरधारी जी नहीं आ डूंगरगढ़ है, दो विधायक पहले जो पूर्व विधायक अमरा राम जी पेमा राम जी और थारे का नया दिया मार का जितना डोल हो वो ले लिया आया, अब फिर थार लो डोल शामी ना ले दियो, थारे नेता तो ले दियो बात समझ में आ गई, फिर आपने दाव का नहीं राजगढ़ का किसान मुखिया ले आपने और पूरे चूरू जिला को फैसलो करवायो, राजगढ़ का किसान आज चूरू जिला और किसान मैं उम्मीद करूँ कि तेरे आपने रुकोगा, रात रात को टाइम अड़कन है सुबह आप जंग के मैदान में मिलागा, आ मैं थाने भरोसा दिलाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब पाओ के समाचार आवे के नहीं आवे,
आप अपनी तरफ कह गया है थाने मोटो काम को निकलो थानतों को 15 फरवरी 2022 को जो फैसला राजस्थान की सरकार ने किया था वो बदलना है। वो फैसला हम बदलवा के रहेंगे ये अच्छी तरह बता दिया और छगन जी ने बता दिया कि यहीं डटे रहना है, सभी साथियों को जाना नहीं है और संख्या बढ़ानी है। राज की अगर थोड़ी भी बहुत भी संवेदना है तो वो घंटे दो घंटे रात अगली सुबह तक जो भी फैसला संवेदना अगर उनकी है तो वो कर लेंगे। बाकी हमारे बीच में संघर्षों के बहुत बड़े नेता हैं गिरधारी जी मैया, उनका अनुभव है, उन्होंने भी राजस्थान सरकार के लोगों से बात की है, तो इस आंदोलन को मार्गदर्शन के लिए एक बार पुनः मैं निवेदन करूंगा गिरधारी जी आए और संबोधित करें।